सो भाई लोग, टीम इंडिया किसी भी सेलिब्रेशन का हमें मौका छोड़ने ही नहीं देती, क्योंकि इंडिया अब तक वो चाहे लीग स्टेज की बात हो या सुपर एट के मैचेस की बात हो, हमें किसी भी चीज़ में सेलिब्रेट करने का मौका छोड़ नहीं रही है, क्योंकि हर एक मैच भाई, हर एक मैच जीत रही है सामने वाली टीम के। तो भाई सपनों में नहीं सोचा होगा ऐसे ऐसे रनों से हरा रही है, क्योंकि सुपर एट में आके भी इतने रनों की गैप से जीतना, यानी कि फर्स्ट मैच में 47 रन और सेकंड मैच में 50 रन, तो भाई बहुत बड़े रन से और बहुत बड़े मार्जिन से जीतना कहा जाता है। और पर आज सबसे बड़ा मैच है, क्योंकि लीग स्टेज में ऐसी कोई टीम नहीं थी, सुपर एट के पहले दो मैच में ऐसी कोई टीम नहीं थी जो असलियत में टीम इंडिया को टक्कर दे सके। तो आज यानी कि 24 जून को होने वाला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, तो आई होप सो कि इंडिया जीत जाए और सेमीफाइनल के टॉप वन पोजीशन में आके फर्स्ट वाला मैच खेले, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं कि दूसरी मैच में शायद से बारिश गिर सके, पर जो फर्स्ट मैच होगा तो ओहो भाई बेनिफिट तो हमको ही मिलना चाहिए, तो इतनी सारी मेहनत की है तो थोड़ा सा तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो सेमीफाइनल्स में आके फाइनल में भी आनी चाहिए टीम इंडिया, और हाई होप्स होकर आ जाएगी, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भाई कौन सी टीम नहीं आती है। तो काफ़ी अच्छे प्लेयरों की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, पर मैं चाहूँगा कि आज ऑस्ट्रेलिया के सामने काफ़ी नए नए प्लेयर्स को चांस दिया जाए, जैसे कि युजवेंद्र चहल, यशस्वी जायसवाल और काफ़ी सारे और भी प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिलना चाहिए एज अ चांस। मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो मैच जीता ही देंगे, पर एज अ चांस उनको भी मौका मिलना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। तो आई होप सो कि मैं चाहूँगा कि आज कोई नई टीम खिलाए, और जीतने या हारने का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हमारा रन रेट बाकी टीमों से काफ़ी ज़्यादा है, तो क्वालिफाई करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। क्वालिफाई तो हम ऐसे कर जाएंगे, जो हारते हैं तो भी, वो जीतते हैं तो भी, और बाई चांस हम हार गए तो भी हम तो भाई लीग स्टेज के सरदार है और टेबल पॉइंट के भी सरदार है। तो हम हाल फिलहाल फर्स्ट स्टेज पे है, यानी कि पहले पोजीशन पे है टेबल्स में ग्रुप वन के। तो आई होप सो कि टीम इंडिया जीत जाए, और हमारी बेस्ट विशेस है इंडिया से वह वेस्ट इंडीज़ में, क्योंकि सेंट लुसिया में है आज मैच, तो आई होप सो कि बारिश ना गिरे पहले तो, और गिरे तो बहुत अच्छा मैच हो और पूरे 20 ओवर्स का देखने को मिले और काफ़ी अच्छी टक्कर हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, तो वो सदमा ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं लगा होगा, तो वो सारी भड़ास वो इंडिया के सामने निकालना चाहेगा। और पिछले कुछ सालों में देखे जाए तो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के सामने काफ़ी बकवास रिकॉर्ड रहा है, 2023 के वर्ल्ड कप को ही उठा के देख लो। पर इस साल ऐसा नहीं होना चाहिए, इस साल हमको सबको पटक पटक के धोने का है और ट्रॉफी को उठाने का है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो भी थोड़ा सा नन्ना पुन्ना था, पर इसको एंड करते हैं, पर लगातार ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा हो और थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड चैनल पे जो नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोज़ टू वॉच। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे, लेट्स गो। तो अभी एडिट भी करना है और डालना भी है फटाफट से, तो मैं बहुत लेट वीडियो शूट करता हूँ क्योंकि मैं थिंकिंग में थोड़ा ज़्यादा चला जाता हूँ, इसलिए। तो मिलते हैं आज रात को, लेट्स गो।